हेलो साथियों, मैं अनुभास स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर सड्डा पे। टीचर सड्डा पे आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि सफलता के रंग जो है अड्डा के संग। जी हां, होली अब आ रही है तो नई उमंग, नए जोश के साथ, नए तराने के साथ। और फिर है ना, मतलब होली में क्या होते हैं, दिल खिल जाते हैं और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है कि भारत जो है विविधताओं का त्यौहार है, तो यहाँ पर आज का जो विषय है कुछ इसी तरीके से है। स्टेट्स सिंबल है, स्टेट्स एनिमल है, स्टेट्स बर्ड्स है, यानी कि भारत में विभिन्न राज्यों के बीच जो उनके आपके जो एक चिन्ह होता है ना, कि एक लोगो होती है, पहचान होती है, सबकी एक अलग अपनी थीम होती है। तो भारत की अपनी जो थीम है वो बिल्कुल है। आज सब लोग टाइम पर हैं, है ना, और सब लोगों ने बिना कहे लाइक कर दिया, ये सबसे अच्छी बात होती है ना, और टीचर अड्डा को सब्सक्राइब कर लिया है। आज की क्लास जो है सुपर से ऊपर होने वाली है। सुपर से ऊपर इसलिए होने वाली है, देखो जितना भी पढ़ाएंगे परफेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। और ज़्यादा अगर आपको लेना है सुपर टेट के पैक का मज़ा लेना है या कुछ लेना है, तो हमारे पैक भी चल रहे हैं, तो पेड कोर्स में आएंगे तो वहाँ पे कोर्स हो जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं, चलिए डायरेक्ट हम लोग पीपीटी पे आते हैं ना। सर गंगा जी, हमको पता है आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि बहुत वेट कराते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है। चाहे सपना हो, चाहे अनु है, चाहे विजय हो, चाहे अजीत हो, चाहे शाश्वत हो, ठीक है, तो सभी, चाहे गीता जी हो, सभी का बहुत बहुत यानी कि आपके अपने परिवार टीचर अड्डा में स्वागत है, ठीक है। तो वैशाली जी, पूनम जी, तो आज का जो है आपका टॉपिक है स्टेट सिंबल्स क्लास 7, ठीक है। आप जा सकते हैं GS मेंटर अड्डा जो है 247 करके, वहाँ पर सारी वीडियोज़ हमारी उपलब्ध हैं। शाश्वत जी ने कहा है कि ले लिया है, मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए आप जरा कॉल कर लीजिए अगर नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है कुछ आपके में से समस्या आ रही हो। चांदनी जी, राधे राधे, पिंकू, ओके। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, है ना, वो कहते हैं ना, गोरे रंग पे इतना गुमा न कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप गोरे कित, और एक बात ये समझो, मुझे नहीं समझ में आता है कि गोरा क्या होता है यार। आपको पता है वेस्ट इंडीज में और केन्या में चले जाओ तो अगर वहां अगर आप सफेद हो, अगर गोरे हो, तो लोग कहेंगे आप बीमार हो। वहां पे जो जितना काला होता है उतने ही सबसे ब्यूटीफुल और हैंडसम कहा जाता है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। और अपने भारत में एक इस तरीके से छवि है, तो ये भी एक भेदभाव का है। कितना भी गोरा क्यों ना, उसकी परछाई सदैव काली होती है। इसी तरह मैं श्रेष्ठ हूं, यह मेरा आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। कहने का मतलब क्या है, मैं सफल हो सकता हूं सुपर टेट के एग्जाम में, मेरे नंबर 130 प्लस आ सकते हैं, यह आपका विश्वास है, आत्मविश्वास है कि आपके नंबर 130 प्लस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप यह कहो कि सिर्फ और सिर्फ आपके आ सकते हैं, तो यह गलत है। ऐसे ही मैं अगर मैं कहूं यूट्यूब में सबसे अच्छा टीचर हूं, मैं अगर कहूं मैं YouTube का सबसे बेस्ट मास्टर हूं, तो गलत है, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप में अच्छा हूं, ये सही है। जी हाँ, कालू वगैरह नहीं कहते, ठीक है, गाने कैसे कैसे कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो आपके सामने आ गया, देख रहे हैं, हिरन है एक तरफ, तोता है एक तरफ, ये है, ठीक है। तो ये आप जरा देख के बताओ ये किस राज्य के बारे में। हमको सर इनके बीच में लाओ कहीं भाई, तोता होता के बीच में कहीं, ठीक है, या हटा दो यहाँ से। तो ये आपका जो इमेज है वो कहाँ का है, किस मतलब राज्य से संबंधित है। जी हाँ, आपके सामने है, ठीक है, तोता हो गया आपका, ये हिरन है, तो ये कहाँ का है। इस हिरन को ब्लैक बग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक बग के नाम से बोलते हैं। KVS का जो 2020 बैच है सुमित जी, वो शायद होली के बाद स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आप गाना भी तुरंत बना लेते हो, धन्यवाद। चलो सौम्या जी भाई आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ धीरे धीरे। तो ये कहाँ का है जल्दी से बोलो, ये कौन से स्टेट के बारे में हमने शो किया है। सुपर टेट की पेड क्लास शुरू हो चुकी है, सुपर टेट की पेड क्लास चल रही है, 20 फरवरी से चल रही है। आज यानी कि सुपर टेट में आज, हाँ आज, आज क्या है था, आज सुपर टेट में पेड क्लास था मॉर्निंग में 11 बजे, है ना। हाँ, आंध्र प्रदेश का है, राजस्थान का नहीं है, अनु जी का सही जवाब है। ये जो आपके सामने है ये आंध्र प्रदेश का है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो सबसे ऊपर लिखा है, देखो लिखा है ना, इमेम्बलम ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाँ, यहां का सॉन्ग क्या है, माँ तेलुगु थलकिली, है ना।
अब यहाँ पर एनिमल है ब्लैक बग, और यहाँ की जो चिड़िया है रोज रिंग्ड पैर, ये है आपका पैराकिट, ये आपकी चिड़िया है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का है। और स्टेट फिश के बारे में कहें तो स्नेक हेड मरल, तो ये आपकी यहाँ की चिड़िया बहुत खतरनाक चिड़िया है, और हम कहें और मछली बहुत खतरनाक है यहाँ की। अब आंध्र प्रदेश को जरा देख के बताइए कि आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश आपका कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। कई बार क्वेश्चन हमने बताया है, कोई एक बार नहीं बताया है। और आंध्र प्रदेश के इस समय सीएम कौन है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, कल आपका टॉप 30 है, टेस्ट है, कल आपका 30 क्वेश्चन होंगे जबरदस्त। तो हमने जो अभी तक पढ़ाया है ना, तो भैया पढ़ के आना कल, ठीक है, कोई ऐसे नहीं घुसाएगा। पांच राज्यों से कह रहे हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। अरे भाई कैसे कह रहे हो, ये तो चार ही राज्यों से सीमा साझा कर रहा है और एक हो गया पांच। तो बिल्कुल सही है, पांच राज्यों से सीमा साझा करता है। नीतू, नीतू जी को पढ़ने की फिर से जरूरत है, नीतू जी फिर से पढ़िए, यह पांच राज्यों से सीमा साझा करता है। अगले पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, फिर हटा दीजिए सर। यहां पर देखिए, जरा देख के बताइए किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे कौन सा राज्य है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, उस राज्य को देखिए और समझिए। व्हाइट विंग्ड डक, डक माने होता है बतख। हाँ भाई सही है भाई, बहुत बढ़िया। कौन सा राज्य है, लाइक वाइक नहीं करते हो तुम लोग, कोई बात नहीं मत करो। जगन मोहन रेड्डी सीएम है, बहुत बढ़िया। अनामिका जी, प्राइमरी जो है सुपर टेट का एग्जाम कब होगा, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो सितंबर के बाद होगा, पहले तो होएगा नहीं, ठीक है जी हाँ, पर हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरा अनुभव है। चलो जल्दी से बोलो। तो भाई सौम्या ने पता लगाया कि जो दिया गया ये इमेज है, ये असम से रिलेटेड है, ठीक है, और असम का है, बिल्कुल सही है आपका, एजुकेशन। जी हाँ, जल्दी से ये बताइए कि असम में एक बहुत बड़ा नदी द्वीप है, आप लोग को पता है ना, असम में एक बहुत बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि आइलैंड है, रिवर आइलैंड, वो कौन सा है, जल्दी से बोलो। देखते हैं, यहां पर है आपका ये वहां का असम का, यानी कि कहां चला गया भैया, हाँ ये असम का यानी कि सिंबल है। अगर हम बात करें स्टेट सॉन्ग, तो ओ मूर अपनूर देशा, इस तरीके का वहां का सॉन्ग है। स्टेट एनिमल जो है इंडियन राइनोसोरस है, एक सींग वाला जो गेंडा है, आप बताओ ये कहां मिलता है, ये कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। माजुली द्वीप, बिल्कुल ठीक जवाब है आप लोग का, माजुली द्वीप आया है। माजुली द्वीप जो है वो आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो फ्लो करती है उसी पर बना सबसे बड़ा यानी कि आइलैंड है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का है। जो राइनोसोरस है यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा है, वो असम के किस अभयारण्य या पार्क में मिलता है, तो काजीरंगा जवाब आ रहा है। ये क्लास 8:50 से शुरू हो चुकी है, तो काजीरंगा इज द राइट आंसर, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। यहां पर व्हाइट विंग्ड डक, देखो पूरा नहीं है, कुछ आपके हैं कुछ और इस तरीके से होंगे। स्टेट फ्लावर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जो स्टेट फ्लावर है वो कौन है, फॉक्स टेल ऑर्चिड, फॉक्स टेल ऑर्चिड, देखिए आपके सामने है फॉक्स टेल ऑर्चिड, ये आपका पौधा है जो कि स्टेट फ्लावर है। ब्रैकेट में साइंटिफिक नेम दिया है, अगर रट लोगे तो ठीक है, फिलहाल जितना आ सकता है उतने ही हम बता रहे। असम के आने का एक जो प्रमुख कारण है वो एग्जाम में ये है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एनआरसी वगैरह इन सब को लेकर लगातार क्या चीज़ें चल रही हैं। आप ये बताइए कि असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है, वो एक यू टर्न लेती है, कौन से स्थान से लेती है, जी हाँ जल्दी से बताओ। असम में एक नदी इंटर करती है, वो कौन से स्थान से लेती है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें भारत के बारे में, ठीक है, हाँ तो आप इसको समझ सकते हो। ये अगर आप लोग को नहीं पता है मैप के बारे में, रिवर्स और मैप, तो हमारी आज हमने क्लास ली थी केवीएस और DSSSB, ठीक है, उसमें हमने रिवर्स और मैप पढ़ाया था, आप चाहो तो क्लास देख सकते हो। आज दिन में 12 बजे होती है, मंडे और ट्यूजडे, ठीक है ना, तो मंडे और आपका ट्यूसडे, ये दो दिन आपकी क्लास होती है, ठीक है, हाँ
तो उसमें हमने नदियों के बारे में पढ़ाया है, आप वहां देख सकते हैं। तो यहां पर जब ये मूव करती है तो कौन सी टर्न लेती है? गुवाहाटी। सर्वानंद सोनेवाल वहां के सीएम है, बिल्कुल जवाब सही है आपका। हमने आपसे पूछा काजीरंगा नेशनल पार्क, नहीं भाई, जो असम में यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी है यू टर्न ले रही है वो कहां से लेती है? गुवाहाटी, यांगप दर्रा। नहीं भाई रुपेश जी, यांगप दर्रा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, यू टर्न जो लेती है वो कौन सा एक पर्वत है, एक नाम है, लोकेशन है, जो फिक्स है, वो जाना जाता है, एग्जाम में आता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। उसको कहा जाता है नामचा बरवा। क्या कहा गया है? नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, असम को आपको पता है कि जादू टोना के लिए भी जाना जाता है, तो असम का उपनाम क्या है? असम को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बोलिए। असम को जगदीश मुखी यहां के गवर्नर है। क्या बात है भाई हेमंत जी, शानदार। नहीं पता, हमने बताया ये नामचा बरवा है। असम के बारे में अगर हम बात करें तो यहां जादू टोना टुटका के बारे में जाना जाता है। एक नाम और है इसका, जल्दी से बताओ भाई। देखो क्या होगा कि सब चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वंदना निधि सही है, नामचा बरवा, नामचा बरवा। यहीं से जो नदी होती है, जो आपकी दिहांग दिवांग नदी है, जो कि यहां से निकलती है यारदूंग करके, फिर वो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। काला जादू, डिब्रूगढ़ नहीं, नहीं भाई, हमने पूछा असम का उपनाम, हमने क्या पूछा है? असम का उपनाम हमने पूछा है, असम का। हाँ, जादू टोना पश्चिम बंगाल का है, लेकिन अगर आपको याद हो असम में एक देवी है जो कि बहुत ही, मतलब पार्वती जी जो यानी कि 52 शक्ति पीठों में से एक है, क्या नाम है जल्दी से बता दो भाई, अब तब आप लोग शायद बता पाओगे। 52 शक्ति पीठों में से एक है, अब लग रहा है भाई सौम्या ने गूगल करके लिया है ना, तो उन्हीं का आंसर सही है, बताना पड़ेगा। कामरूप है, ठीक है। क्या है? असम का जो है कामरूप, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कामरूप किसका उपनाम है, तो असम का। और कामाख्या जो है, कामाख्या जो है, जी हाँ, अंबुबाची का जो मेला होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी असम में लगता है। और कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो भी आपका कहां पर है? असम में है, 52 शक्ति पीठों में। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। चलो आगे ये बताओ, हाँ, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार, डैश शाला गाना है, ठीक है, कसम नहीं खाने की जरूरत है। ये आपके सामने इमेज है, कहां का है, किस राज्य को शो कर रहा है, बोलो भाई, ये इमेज जो है किस राज्य को शो कर रहा है? सब लोग सही है, ऋचा जी, प्रियंका, ठीक है, जा रहे हो आप लोग, हाँ बोलो, ये इमेज किसको शो कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, बिहार का कर रहा है। अच्छा, बिहार की इस समय राज्यपाल कौन है? ये देखो सब हम करा चुके हैं, बिहार के राज्यपाल कौन है, और बिहार के सीएम नहीं हम पूछ रहे, हम आपसे डेप्टी सीएम पूछ रहे। कौन पूछ रहे? डेप्टी सीएम कौन है, बोलो, बिहार के डेप्टी, मनोज तिवारी नहीं है भाई, वो तो ना गाना गाया था। बिहार के राज्यपाल कौन है, है ना, देखो बिहार, हार, उनके गले में हार पड़ा है, और हार किनके गले में होता है? जो लाला लोग होते हैं, क्या होते हैं? फागु चौहान है, हमने पूछा उप मुख्यमंत्री पूछा है, नीतीश कुमार नहीं है, फागु चौहान जो हैं वो हैं आपके राज्यपाल, कि लालजी टंडन है, चेंज हो गए हैं। अच्छा, डेप्टी सीएम कौन है भाई? नीतीश कुमार डेप्टी सीएम है, पक्का? नहीं, नीतीश कुमार सीएम है। चलो देखो, ध्यान दो यहां पर, ये बिहार के बारे में, अगर स्टेट एनिमल कहें तो गौर, यानी कि जो स्टेट एनिमल है गौर नहीं है, गौर है जो मिथुन है, मिथुन आपका ये है। अब देखो एक खास बात कि मिथुन चक्रवर्ती भी बिहार से आते हैं, ठीक है, हाँ, मिथुन चक्रवर्ती भी, सुशील मोदी, बिल्कुल सही कहा, याद रखिए डेप्टी सीएम जो हैं वो आपके कौन है, तो सुशील जो हैं आपके मोदी जी हैं, ठीक है, सुशील मोदी। और नारायण सिंह यहां के क्या हैं? गवर्नर हैं, कि लालजी टंडन है, खुद कंफ्यूज हो भाई, नहीं मिथुन ही है यहां का, जो है मिथुन जो है वो है क्या, समझो, मिथुन एक भैंसा है, या भैंस कहते हो ना, जंगली जो भैंस, तो वो है आपका,
जी हाँ, और यहाँ पे हम लोग बात करें स्टेट जो ट्री है वो पीपल का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है या आपका पीपल है? तो सही आंसर होगा पीपल। और यहाँ की जो चिड़िया है वो है गौरैया। तो जल्दी से बताओ गौरैया कब मनाया जाता है, गौरैया दिवस? हाँ, कौन है अब जल्दी से बताओ। फागु चौहान जो है भाई 100% है भाई, ठीक है। हाँ, सौम्या ने कह दिया 100% है। चलो पीपल, हाँ तो आपसे हमने पूछा जो है स्पैरो डे, ठीक है, बिल्कुल। तो आगे हम बात करते हैं, बहुत हंसी आ रही भाई प्रियंका जी, क्या बात है। अब यहां पर पीपल आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वह कौन सा वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन क्रिएट करता है, कौन सा वृक्ष है जो आपका 24 आवर्स ऑक्सीजन क्रिएट करता है, 24 घंटे ऑक्सीजन मतलब देता है, जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन, O2, बिल्कुल सही है, 20 मार्च। तो याद रखिए 20 मार्च को जो है वो आपका गौरैया दिवस होता है, ठीक है। स्पैरो आपके घरों में भी जो है पंखे में, बिलके में, कहीं इस तरीके से खिड़की में चिड़िया घोंसला बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो कम हो रहा है ना, आप समझ सकते हो। अब यहां पर अगर हम लोग बिहार के बारे में कहें तो वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, जल्दी से जवाब देंगे, बिहार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? पीपल सबका सही जवाब है, 24 आवर जो ऑक्सीजन क्रिएट करता है पीपल है। अच्छा पता है, एक आपको बात बताते हैं, शायद ही आपको पता हो, पीपल का जो पेड़ होता है कहीं भी जो कबूतर या फिर कौवा हुआ जो भी है, पीपल का जो पौधा यानी कि फल खाकर उसकी जो बीट्स है वो अपना कार्यक्रम कहीं भी कर देते, तो पीपल का पौधा कहीं भी उगाता है, समझो। अब पीपल का जो पौधा है ये क्या था कि अगर देखे तो ये लकड़ी बिल्कुल बेकार होती है, पीपल की लकड़ी किसी काम के नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो ये पौधा किसी काम का नहीं होता। आज हमको पता चला कि पीपल यानी कि 24 आवर्स ऑक्सीजन क्रिएट करता है, लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि पहले से कैसे पता? पीपल को कोई नहीं काटता, पीपल को कोई काटने जाता है तो सब लोग कहते हैं उसके अंदर चुड़ैल है, भूत है, ये है, वो है ना, आखिर ऐसा क्यों? तो जो हमारे पूर्वज लोग थे उनके साथ एक घटना घटी, कहो तो बताएं कौन सी घटना घटी, है ना, आप बोलो तो बताएं, तब तक हम बिहार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है वो बताते हैं। एक है, दो है, तीन है। तो बिहार जो है वो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। हाँ, कौन कौन से साझा करता है, एक आपका जो हो गया यूपी, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है, सिक्किम से नहीं करता है, और एक आपका जो है वो आपका नेपाल। अच्छा, उनको पहले से पता है, देखो जिनको पहले से पता है तो वो उन्होंने हम ही से सुना होगा। हुआ क्या था कि एक बार, बहुत पहले की बात है, बहुत लाखों साल पहले की बात है, हजारों, कि लोगों में क्या होगा कि कोई मर गया, अब लोग क्या थे उनको लेके मरने के बाद जा रहे थे, जैसे ही जा रहे थे रास्ते में क्या हुआ, पीपल के पेड़ पड़े, है ना, तो जब पीपल के पेड़ पड़े तो वो आदमी जिंदा हो गया, तो सब लोग चौकन्ना हो गए, अरे यार ये क्या हो गया, ये आदमी जिंदा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ में कुछ ऐसा है कि इसके नीचे से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। जबकि कहानी कुछ ऐसी हुई होगी उस समय, इतिहास की है, कि जो पीपल का जो उस वो व्यक्ति था वो ऑक्सीजन की कमी से उसको बेहोशी आ गई होगी, जैसे ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलने लगती है ना, फिर हम मतलब बेहोश हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फैला दिया गया कि पीपल का पेड़ में जादू टोना इस तरीके होता है। यही कारण है कि भारत के ज्यादातर राज्यों या क्षेत्रों में किसी के मरने के बाद अगर पीपल का पेड़ है तो वहां से उसे ले जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो पता है, क्योंकि मनुष्य बहुत बड़ा स्वार्थी है, आप हो चाहे हम हो, बहुत स्वार्थी हैं। अगर हम आपको अच्छी जानकारी नहीं देंगे तो डिसलाइक भी मारोगे, 4-5 गाली भी दोगे, निकल भी लोगे, है ना। तो जब तक आपका स्वार्थ रहेगा ना तब तक आप टिके रहोगे, ठीक है। तो अब आप, आज से पता हो गया, ठीक है, चलो आगे बताते हैं। तो अगला है आपका, ठीक है, तो बिहार के बारे में समझ में आ गया। अब बिहार से चुनिंदा कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है।
बिहार में जो है जैसे ताजमहल होता है, ठीक है, ताजमहल समझो, ताजमहल कितना सुंदर है, ये बिहार में नहीं है, ठीक है, बिहार में है गोलघर। क्या है? गोलघर। किसी ने देखा है? नहीं देखा है तो गूगल करिएगा। जो गोलघर है बिहार की आन बान शान है। ये गोलघर को जो है किसने बनवाया था, कोई बताएगा? चलो आगे। हाँ, जहां पे है उसके अगल बगल आप रखो। ऐसा ही है सुनीता जी, जो हमने बताया बिल्कुल ऐसा ही है, साइंटिफिक रीजन भी यही है, ठीक है। ये तो हो गया बिहार का। आगे है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यूपी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यूपी में अगर हम स्टेट एनिमल के बारे में बात करें तो ये रहा स्टेट एनिमल। अब तो जो दारू आती है, दारू में भी लिखा रहता है रॉयल स्टेग, सुना है? रॉयल स्टेग करके आता है ना, और उसमें सींग भी बना होता है। होली आ रही है, होली में आप लोग को शेर शाह ने, नहीं भाई शेर शाह ने नहीं बनाया था, ये बिहार में बना है, जो कि अंग्रेजों के काल में था। और इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अनाज जो अकाल था ना, कभी बताएंगे इसको बारे में लेके, ठीक है, आगे उससे रिलेटेड है। चलो तो बताओ भाई, यहां पर आपका है, और जो स्टेट बर्ड है वो क्रेन है। अगर हम बात करें, ये पलाश है, ये पलाश है, ठीक है, याद रखो ये आपका पलाश है, पलाश का फूल है। और पेड़ की बारे में बात करें तो अशोका, अशोक का जो है ये आपका वृक्ष जो है, ये आपका बिहार का जो है क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर हम आपसे ये पूछना चाहें, यूपी का, यूपी का है अशोक। अगर हम यूपी के बारे में जानना चाहें तो इसके चिन्ह में जो राजकीय चिन्ह है, अभी आपने देखा कितनी मछली है, जल्दी से बताओ कितनी मछली है, कितने तीर हैं और कितने धनुष हैं, जल्दी से बोलो, कितने मछली, कितने धनुष, कितने बाकी, जल्दी से बोलो, कितने मछली, कितने तीर, कितने धनुष। यूपी का भैया, कल को टीचर बनोगे तो ठप्पा लगेगा मोहर, तो भैया पता होना चाहिए कि गोल गोल है, यहां पर मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया था, जरा याद करो कहां से लिया गया था, कोई बताएगा ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? जो बताएगा उसको एक अगला क्वेश्चन दिया जाएगा। दो मछली हैं, एक तीर है और एक धनुष है, ठीक है, तीन मछली कहां से हो गई तृप्ति जी? तीन मछली नहीं है, दो ही मछली है भाई। और देख लो भाई, दो मछली है, ये देखो दो मछली है, एक और दो, और एक आपका धनुष है, एक तीर है, याद रखा करो। चलो जल्दी से बताओ ये कहां से लिया गया है? अशोक का वृक्ष जो होता है पॉल्यूशन को कम करता है, ठीक है। हाँ, तो हमने आपसे कॉन्सेप्ट पूछा, ये कॉन्सेप्ट यानी कि उत्तर प्रदेश में कहां से लिया गया, याद करिए। यूपी का जो है, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहीं पर अब नहीं है, पहले जो था वो कुरुक्षेत्र जो था, हस्तिनापुर, ये सारा यहीं पड़ता था, उत्तर प्रदेश में पड़ता था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता था। तो याद करो, जब अर्जुन ने किसी के विवाह के लिए गए थे, अर्जुन किसी के स्वयंवर के लिए गए थे जिससे शादी हुई थी, आपको नाम बताना है क्या था, तो उन्होंने तीर से निशाना लगाया था, याद आया? मुंडको उपनिषद नहीं है भाई, अर्जुन ने धनुष, बिल्कुल ठीक है, याद करो महाभारत की कहानी, सारनाथ के स्तंभ से नहीं लिया गया है भाई, राम जी के धनुष से। देखो चीजें हम आपको कोरिलेट करते हैं। तो अर्जुन ने भैया किसके लिए, तो द्रौपदी, ठीक है, जिसे कहा जाता था पंचाली, ठीक है, अच्छा पंचाली कहा जाता था। अच्छा, नगर वधु की संज्ञा किसे दी गई है, कोई बता पाएगा? नगर वधु की संज्ञा किसे दी गई है? यूपी का साथ वाला है राज्य है, उसी की दी गई, नगर वधु किसे कहा गया है? तो आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा यूपी से और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो यूपी जो है, कई बार बता चुके हैं, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, जल्दी से बोलो कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज? द्रौपदी, बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है। अतुल जी, सर आपके और विवेक सर की क्लास एक साथ है, अरे कोई बात नहीं, तो भैया जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप आओ। तो पांचाली, ठीक है, राजा पांचाली, सीता नहीं है भाई, सीता नहीं है, ठीक है, सीता जी नहीं है, तो सीता को नगर वधु नहीं, ये कहा गया है बिहार, पूनम जी ने सही पकड़ा है, बिहार में है, याद करो,
आम्रपाली, है ना, आम्रपाली, याद आया, आम्रपाली, ठीक है। हाँ, इस ट्रेन का उपयोग करते हैं आने जाने में। आम्रपाली को नगर वधु का खिताब दिया गया था बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय। आम्रपाली याद रखोगे, आम्रपाली। 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल सही है, 8 राज्य और 1 आपका यूटीज, 1 केंद्र शासित प्रदेशों की कहानी है, उत्तर प्रदेश की जवानी है। तो ये आम्रपाली है जिन्हें नगर आपका वधु का खिताब दिया गया था, ठीक है। हाँ चलो आगे हम लोग बात किया जाए। अब हमने कुछ और भी लिया है, वैसे वर्तमान में कहें तो कितने राज्य हैं जल्दी से कमेंट करो। आज 3 मार्च है, 3 मार्च को कितने राज्य हैं, 3 मार्च 2020 में कितने राज्य हैं, है ना। हाँ, नहीं तो कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा इसलिए लिख दिया, कल को कह दोगे लो सर जी, है ना। तो 3 मार्च 2020 को कितने हैं। आम्रपाली तो डांसर है, ये भी सही है, बुद्ध के समय, आम्रपाली वहां की है, रानी मुखर्जी इस तरीके के नाम है। तो भाई जल्दी से बताओ 3 मार्च आज की डेट में कितने राज्य हैं। 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, तो 28 और 8 लेके चलेंगे, 8 आपके यूटी हैं और 28 स्टेट्स हैं। अब जरा ध्यान दो, यहां पर कुछ आपको रट्टा मारना है, रटना है, चाहे जो भी कह लो, जो हम बात करें बिहार में, ठीक है। तो यहां पे एनिमल, बर्ड, ट्री, फ्लावर, ये इधर उधर है, ये इधर उधर है, कुछ आपका इधर उधर मिल सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश में जो नीम का पेड़ है, ठीक है, और बिहार में जो है पीपल का, छत्तीसगढ़ में साल का पेड़, किसका पेड़ है, साल। अब आप ये बताओ कि साल के पेड़ के नीचे किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, देखे कौन बताएगा। जो साल का वृक्ष है, साल के वृक्ष के नीचे किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखो भाई, पीपल के पेड़ के नीचे हमको पता है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है टीचर अड्डा के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ना, जैसे स्कूल में जाते तो छत के नीचे, तो हर कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। भैया 9 यूटी नहीं है, 8 है माया जी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सुधार करेंगे, ठीक है। महावीर जी को, बिल्कुल सही है, महावीर जी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष के नीचे जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें क्या कहा गया, एक क्वेश्चन मेरे मन में आया तो पूछ लिया, बुरा मत मानना। महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें क्या कहा जाता है, वो उस नाम से कई कोचिंगें भी चलती हैं, क्या कहा गया है। जैसे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये कहलाएं तथागत, क्या कहलाएं, तथागत। हाँ जल्दी से बोलो किसे कहा गया। आप देख रहे हैं टीचर सड्डा विद अनंत भारत। अगर लगता है कि आपको सब कुछ बेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक और शेयर मार दीजिए। साल वृक्ष नहीं है भाई, पीपल नहीं है, क्या कहा गया भाई, कोई नहीं बता पा, नहीं जिन नहीं कहा गया उनको, तो वैसे तो निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, जिन भी कहा जाता है, लेकिन जो हम पूछना चाहते हैं। अनिल भदौरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, क्या कहा गया है, ठीक है। उन्हें सपना जी, क्या कहा गया भाई, बोधि नहीं कहा गया है, बोधि तो आपका गौतम बुद्ध जी को कहा गया है। तथागत, नहीं पता कोई बात नहीं, उन्हें कहा जाता है कैवल्य कहा गया है, क्या कहा गया है, कैवल्य कहा गया है, याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कैवल्य कहा गया है, ठीक है, कैवल्य। हाँ बता दिया हमने, बताएंगे भाई, हम जब पूछेंगे तो बताएंगे, आखिर जाएंगे कहाँ, आप ही के पास रहेंगे। चलो तो यहां से थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, तो कुछ और देखो, आप नंबर मत देखना, क्यों, क्योंकि ये है YouTube की क्लास, YouTube में हमारे पास समय कम होता है, आपको पता है, लेकिन कम समय में ज्यादा हम आपको देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सुपर टेट या कोई और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप पेड क्लास हमारी ले सकते हैं, चाहे सुपर टेट का हो चाहे सी टेट का हो, उन क्लासों में मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, और आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, Y221 कोड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ कोई भी अगर कोर्स लेना हो, झारखंड है, कर्नाटका है, केरल है। अब देखो कोकोनट आपका जो कहां का है, केरल का है। जो सैंडलवुड है, चंदन की लकड़ी, है ना,
चंदन की लकड़ी या सैंडल करके आपका धूप बत्ती भी आती है, याद करो। तो ये आपको याद करो, कर्नाटक में एक खतरनाक टाइप का डाकू रहता था जिसकी बड़ी बड़ी मुच्छे रहती थी, वीरप्पन, याद आ रहा है? हाँ। इसी तरीके से बनियाइन, बनियाइन का मतलब वो नहीं जो बनियाइन हम लोग पहनते हैं, बनियाइन का मतलब क्या होता है जल्दी से बोलो। केंद्र शासित प्रदेश गिनवा दीजिए एक बार, परेशान ना हो, परेशान ना हो चौबे जी, अभी गिनवा देंगे। सीटेड पेड क्लास कैसे लें, जदब दिगा ढिंगा, तो यहां पर देखिए किसी का नाम गलत हो जाए तो क्षमा चाहेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर स्क्रोलिंग हो रहा उस नंबर पे एक कॉल कीजिए, आपको कॉल जाएगी, आप बात कीजिए, आपका सौदा पट जाए, सारी बातें समझ में आ जाए, तो ये कोड अप्लाई करके आप ले सकते हो, ठीक है। सारे कोर्स की फीस, नीतू जी इस समय सारे कोर्स की फीस जायद 1999 है, 1999 रुपए में है, ठीक है। मार्केट में आपको पता ही है लूट लेते हैं, चलो अब हमको पढ़ाने दो, बाकी बातें बाद में। बनियाइन को बनियाइन नहीं कहा जाता है, बरगद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरगद का वृक्ष होता है, याद रखेंगे। अच्छा यहां पर मैं भूल गया, ये लिखा है पलाश, ठीक है। पलाश जो है वो यहां पर हम फूल कह सकते हैं, तो पलाश जो फूल है, पलाश फूल से गुलकंद बनता है, क्या बनता है? गुलकंद। और ये गुलकंद होता है, अभी होली आ रही है तो होली में जो उड़े ले गुलाल, गाना सुना ना, होड़िया में उड़े रे गुलाल, अब आगे आपको गाना है, तो ये जो गुलाल है ना, ओ होली खेले रघुबीरा, तो ये जो गुलाल जो बनता है ये पलाश के फूल से बनता है। इसकी एक और कहानी जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो पलाश के बारे में कहें तो ये यूपी का भी है और एमपी का भी है, ठीक है। पलाश जहां पे था वहीं पर एक लड़ाई हुई जिसको कहा जाता है प्लासी की लड़ाई। आप कहोगे सर कैसे? होली में आपके लिए मॉर्निंग में 7 बजे हमारे रिकॉर्डेड वीडियो आएंगे, आप उनको देखोगे मजा आ जाएगा। 3 यानी कि 6 वीडियो रिकॉर्डेड होंगे। तो प्लासी का जो युद्ध है, देखो पलाश का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ था कमेंट करो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था कमेंट करो एक बार फटाफट। ढाका फूल भी कहते हैं, हाँ ढाका फूल के नाम से भी जाना जाता है वंदना जी। गुलकंद तो गुलाब से बनता है ये सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। हाँ यूपी का राज्य फूल है। निधि जी धन्यवाद। तो जल्दी से बताइए, प्लासी की लड़ाई नहीं पता? 1700, अनीशा जी ने कहा 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। देखो अब अंग्रेजों के दौरान हुआ था, तो अंग्रेज हर चीज को घसीट के बोलते हैं, जैसे तिवारी है तो तिवाराइन हो गई, पांडे हैं तो पंड्याइन हो गई, है ना, शर्मा है तो शर्माइन हो गई, तो इसी तरीके से उन्होंने पलासे आए तो कहां लड़ने गए थे, पलासे 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 करते करते वो प्लासी ले आए। तो जहां पे पलाश के फूल हुआ करते थे खूब सारे, वही स्थान कहलाता है प्लासी। चलो आगे आपके सामने है तेलंगाना, तेलंगाना के बारे में आते हैं, ठीक है। त्रिपुरा है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। देखो आपने देखा है ना, दिवाली की जब पूजा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वो कमल का होता है कमल गट्टा, इस तरीके से फूल हम लोग अर्पण करते हैं। पहले बचपन में हम भी बनाते थे इस तरीके से, कमल बनाते थे ना, और उस कमल को कीचड़ में खिलाते थे, फिर क्या हुआ, कमल तो खिल गया, है ना। तो इस तरीके से जो कमल खिलता है, तो अब कमल अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, ये वाला कमल बड़ा शानदार होता है, तो ये कमल जो है ये ब्रह्म कमल जो है, ठीक है, के नाम से भी है। तो ये ब्रह्म कलर कमल किससे संबंधित है, उत्तराखंड या आपका, जी हाँ यूपी से। तो ब्रह्म कमल जो है वो आपका, अच्छा राजकीय पक्षी कौन सा है, यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है, ये मैं पूछना भूल गया, यूपी के बारे में भाई पूछना बनता है ना, पक्षी बता दो, यूपी का राजकीय पक्षी बता दो कौन सा है। हाँ जी बोलो। हाँ कमल गट्टा जो होता है वो आपको पता है ना, कि जो कमल निकाल लो तो जो वो निक बचता है ना, वही कमल गट्टा कहलाता है। देखो पूछ, आपको चीजें पता होनी चाहिए आरके जी, पता होनी चाहिए। राजकीय पक्षी जो है क्रेन है, बिल्कुल सही है, क्रेन है, अभी हमने बताया था। चलो क्रेन यानी कि सारस है, बहुत बढ़िया। चलो
सुनीता जी ने सारे मतलब दिल्ली, जम्मू, लद्दाख ये सारे गिनवा दिए। उन्होंने कहा कि लो गिनो, हम आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी। देखो अब इन दोनों को एक हो गए हैं, ये दोनों एक हो गए हैं। ये दोनों एक क्यों हो गए हैं? क्योंकि ये 34 किलोमीटर केवल दूर थे एक दूसरे से, ठीक है। हाँ तो ये दोनों एक कब हो गए? तो ये दोनों एक हो गए हैं 26 जनवरी 2020 को, है ना। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और ये क्या हो गया? पांच हो गया, ठीक है। ये आपका पांच हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आप कहोगे सर 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 कौन सा है? छठा हो गया आपका दिल्ली। कौन सा हो गया? दिल्ली। देखो नहीं है, जी हाँ दिल्ली। और सातवां आठवां आप लोग को पता है, पता है ना सातवां कौन सा होगा, आठवां कौन सा है? अरे भाई जम्मू कश्मीर के, यानी कि अलग अलग कर दिया गया ना दो केंद्र शासित प्रदेशों में। हाँ डिस्टेंस कम थी, प्रशासन यहां से अच्छा हो जाए, इस कारण दोनों को एक किया गया। चलो ये हम लोग बात छोड़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ये तो हमने नॉर्मल सा बताया, पेपर में क्या पूछा जाएगा वो देखो। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का क्या है? ढाक है और आम का पेड़ है यहां का इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन ग्रे हॉर्न बिल, ये देखो हॉर्न बिल है। आप अपने दिमाग का प्रयोग करके बताओ, मुझे पूरी तरह पता है कि जो हॉर्न बिल है वो किस राज्य का है। हॉर्न बिल किसी राज्य का भी आपका स्टेट बर्ड है, बोलो। हाँ जम्मू और कश्मीर। हॉर्न बिल, हाँ इनकी जो कैपिटल है दमन दीव। हॉर्न बिल किस राज्य का राजकीय पक्षी है, बोलो। हाँ भाई किसका है हॉर्न बिल, किस राज्य का राजकीय पक्षी है? जवाब दो भाई। नहीं पता? सबको पता है, ऐसा नहीं है कि आराम से पता करो, ठीक है। हाँ बोलो। नागालैंड, ठीक है। हाँ नागालैंड का है, याद रखिए। पेपर में क्वेश्चन आया है, आएगा भी। यहीं पर आपका हॉर्न बिल जो है महोत्सव, हॉर्न बिल जो महोत्सव होता है इसका आयोजन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिए। यहीं पर आप जरा देखिए ये क्या लिखा है, नील कुरंजी। क्या लिखा है? नील कुरंजी। कुछ याद आ रहा नील कुरंजी या नील कुरंजी के बारे में? यह कितने सालों बाद ये खिलता है, आप में से जवाब दो। इस क्वेश्चन पे हम रुकेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हमारे श्री श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत कुछ कहा गया था 15 अगस्त 2019, ठीक। बोलिए नील कुरंजी। शिव जी मेरे हिसाब से नई जगह आए हो, नए तरीके से पढ़ो, है ना। नरेंद्र जी क्या गलत हो गया जरा बताओ भाई, नरेंद्र जी क्या गलत हो गया? कमेंट करने से कोई चीज गलत नहीं हो जाती, जरा आप ये बताओ क्या गलत पढ़ा दिया है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ देखो माही जी ने कहा इस बार ये महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया, बिल्कुल सही है। देखो मेन जो फेस्टिवल है ये हॉर्नबिल नागालैंड का है, पर आप ये कहोगे कि नागालैंड के साथ साथ त्रिपुरा ने भी इसे मनाया। क्वेश्चन समझो, नागालैंड के साथ साथ त्रिपुरा ने भी मनाया। जैसे जो छठ होता है किस राज्य का है, आप ही लोग बताओ, जो छठ है वो किस राज्य का है, छठ है वो किस राज्य का है ना। टाइम क्या है? देखिए 8:50 पर यह क्लास आपकी रोज शुरू हो जाती है, 8:50 पे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपकी होती है, ठीक है। कल इस क्लास में टेस्ट होगा, कल इस क्लास में टेस्ट होगा। इसी को संजीवनी ब्यूटी की तरह। हाँ तो देखो बिहार में छठ होता है, क्या यूपी में छठ नहीं होता है? झारखंड में नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, महाराष्ट्र वाले नहीं मनाते हैं? तो हर जगह मनाते हैं, लेकिन मेन कहाँ का है? तो मेन जो है छठ वो बिहार का है। इसी तरीके से हॉर्नबिल जो है वो आपका नागालैंड का है, पर नागालैंड के साथ इस बार उन्होंने ही मनाया। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, पहली बार आदिवासी महोत्सव का आयोजन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पहली बार आदिवासी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, कमेंट करो। हाँ जी
बिल्कुल, तो क्लियर हुआ? बिल्कुल, देखो आप ऐसे क्लास में आके कह के चले जाओगे तो हम वो वाले टीचर नहीं जो छोड़ देते हैं, हम पकड़ के रखते हैं और पकड़ के ऐसी धुनाई करते हैं ना फिर कि आप किसी भी टीचर के पास जाके किसी भी क्लास में कुछ मत कहो। हाँ एक काम कर सकते हो, वो डिसलाइक होता है, तुम डिसलाइक करो और चुपचाप निकल लो, है ना, ये याद रखना। चलो अब बताओ जरा, हमने बोला पहली बार आदिवासी महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया, तो किसने किया, तो छत्तीसगढ़। अनु जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, छत्तीसगढ़ के द्वारा आपका आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। बहुत आपने देखा, बहुत कुछ चला, ठीक है। हाँ टीचर सड्डा पे आप देख रहे हैं अनंत भारत के साथ क्लास को लाइव। अगर आपको लगता है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आपका अपना है, आप बताओ भाई क्यों। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, हम मतलब तुम लोग भटका देते हो, हम कहां पे थे, नील कुरंजी पे थे। तो क्या हुआ, नील कुरंजी जो ये लिखा हुआ है, तो नील कुरंजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी श्री श्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को इस पे बहुत चर्चा की गई थी। ये जो फूल होता है कितने वर्षों बाद खिलता है, जल्दी से बताओ। देखो ये लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप कहां पड़ता है, तो लक्षद्वीप आपका कहां से पड़ता है, तो आज से अंडमान आगे और लास्ट लक्षद्वीप पीछे, ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक। तो यहां पे खिलता है नील कुरंजी। चलो देखो हमने कहा ना, तो चार लोगों ने डिसलाइक कर दिया, हमें खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई भी ऐसी क्लास YouTube पे खोज के दिखा दो, चाहे आप ऑफलाइन में दिखा दो कि इस तरीके से पढ़ाई जाती है, तो बताओ मैं भी वहीं से पढ़ूंगा। एक बात समझना, एक बात समझना, क्या होता है ना, जो ये दिल है ना, ये सब जानता है, कहने को कुछ नहीं होता है पर सब जानता है। जब आप गलत कर रहे होते हो ना, आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, और गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है, ये याद रखना। चलो आगे, 12 वर्षों के बाद खिलता है, रामकिशोर जी बहुत शानदार, याक्षी ऋचा अर्चना बिल्कुल ठीक है, 12 वर्षों के बाद यह फूल खिलता है, याद रखिए 12 वर्ष की जो कहानी है, याद रखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 वर्षों में, इसीलिए हमारे श्री मोदी जी के द्वारा इसकी तारीफ। सोचो नील कुरुंजी, और आपको बताना है किस राज्य में। देखो लक्षद्वीप तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप केंद्र शासित हो गया, हमने राज्य पूछा, कितना कठिन क्वेश्चन है, किस राज्य में, हाँ जी किस राज्य में, 9 डिग्री चैनल के पास, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा और हम लोग जरा देखते हैं जाके कैसे, तो 12 वर्षों में कई सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा जो है कुंभ, यानी कि महाकुंभ है ना, टेंजेबल है, यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, आपको बताना है किस वर्ष घोषित किया गया, आप बताओ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया। इसी तरीके से सर हमको हटा दीजिए यहां से जो लिख रहा हूं, महामस्तिका अभिषेक या साइड में लगा दीजिए, महामस्तिका अभिषेक है ना, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, ये सारा का सारा तीन चीजें, कुंभ यानी महाकुंभ 12 वर्षों में, महामस्तिका अभिषेक 12 वर्षों में, नील कुरंजी 12 वर्षों में, तीनों को याद रखिए, ठीक है। तो 2017, हाँ 2017 में इंटेंजेबल जो था वो 2017 है कि 2016 है, दोनों चीजों को याद रखना है, ठीक है, दोनों को याद रखना है, बिल्कुल। अब हमने आपसे पूछा था किस राज्य में है, जो नील कुरंजी का होता है ये किस राज्य में खिलता है, आप लोग क्वेश्चन बता दो, फिर यही आपका होमवर्क हो जाएगा, नहीं तो 2017 बिल्कुल अभी आपको पता था, यानी कुंभ जो लगा था, तो 2017 में, इसके पहले अगर हम बात करें तो योग, योग को क्या कहा गया था, योग को इंटेंजेबल यानी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, असराज नाज, नील कुरंजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हमें नहीं मालूम क्या कहते हैं, यही सुनना चाहते थे ना, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं, हैप्पी, मैं वाला टीचर नहीं हूं कि मैं गोल गोल घुमाऊं, नहीं मालूम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम नहीं मालूम क्या कहते हैं, कल को तुम पूछोगे तुम्हारे सर पे कितने बाल है, मुझे नहीं मालूम, कल को तुम पूछोगे घोड़े की पूंछ में कितने बाल, मैं कहूंगा नहीं मालूम, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ
स्टूपिड स्टूडेंट लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। मैंने फिर कहा था मैं दौड़ा के घसीटता हूं, याद रखिए। तो बिल्कुल सही है, सुनीता जी ने जवाब सही दिया है, अनु आपका भी जवाब सही है, एजुकेशन आपका भी जवाब सही है, तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में, जो हमारे श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया वो नीलगिरी बोला गया था, ठीक है। नीलगिरी क्या है? केरल और तमिलनाडु का जो है वो तट है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु का तट है। नहीं नहीं हम तो आपको पता है मजे लेके पढ़ाते हैं, जो नहीं मालूम नहीं मालूम, कोई हम गूगल के बाप थोड़ी है, हम भी चीजों को कलेक्ट करते हैं और सच बोल दो बात खत्म हो जाती है, झूठ बोलोगे बात बढ़ेगी, ठीक है। चलो तो ये नील जो है आपका नीलगिरी जो है पर्वत उसी श्रृंखला पे देखा गया था, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन का क्वेश्चन, कल आपके टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपसे चलते चलते एक क्वेश्चन होमवर्क का वो दिए जा रहे हैं, कल हम देखेंगे कौन उस क्वेश्चन का सही जवाब देगा, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब देना होगा, तटीय राज्य की लंबाई, तटीय राज्यों की लंबाई, तटीय राज्यों की लंबाई कितना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक है। तो बाकी लोग क्या होंगे जो इंग्लिश में सर्च करना हो सर्च कर लेंगे। आप देख रहे थे टीचर्स अड्डा विद अनंत भारत। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कंटेंट में क्वालिटी है, पढ़ाने में दम है या सब चीजें सही लगती हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पेड कोर्स लेना हो, ठीक है, किसी चीज को अच्छे से जानना हो, क्योंकि YouTube पे हमारी लिमिटेशन होती है, आप खुद ही सोचो एक PPT को तैयार करने में बहुत समय लगता है, 2-2.5 घंटे लगते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अगर आपको अच्छा पढ़ना है और अच्छा कंटेंट देना है, क्योंकि आप बाहर पैसा दे ही रहे हो, तो वही पैसा आप यहाँ दे सकते हो टीचर्स अड्डा में। अड्डा जो है .247 यानी स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे KVS, जो आपको पैक समझ में आए। तो सफलता का जो सफलता का रंग है और होली का जो संग है, वो टीचर अड्डा के संग आप जरूर, मैं चाहूँगा, शेयर करें। और अगर कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दिया करो, आपसे बिल्कुल है, मैं कोई बात बुरी नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी बात को वो नहीं करता हूँ, सबके कमेंट पढ़ता हूँ और आपको पता है सबको जवाब देता हूँ, जो नहीं आता सीधा सीधा बोल देता हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, और इसका जवाब जरूर देंगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था कि तटीय राज्यों की लंबाई कितनी है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ कल आपका टेस्ट होगा, तो कल भैया तैयारी करके आइएगा, तो मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।